Good morning, students. In this video, we are going to solve question number 13 of exercise 10.2. So, इस question में हमने बताना है direction cosines of the vector. So, बच्चों direction cosines of the vector क्या होता है? कि अगर आपके पास कोई भी vector दिया होगा, suppose a vector है, we have i plus 2j and plus 3k. So, ये आपके पास दिया हुआ है vector. तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? पहले आप इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे. सो यूनिट वेक्टर क्या होता है? वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर. सो यूनिट वेक्टर जो होगा, जो यूनिट वेक्टर के कोफिशिएंट्स होंगे आई जे के, दैट आर कॉल्ड द डायरेक्शन कोसाइंस. दैट मींस कोफिशिएंट्स ऑफ आई जे के इन यूनिट वेक्टर ए का होगा. इन यूनिट वेक्टर ए जो होंगे वो कहलाते हैं डायरेक्शन कोसाइंस. सो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है? डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं कोफिशिएंट्स ऑफ आई जे के इन द यूनिट वेक्टर. जो आप फाइंड जिस वेक्टर का दिया होगा उसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे, और जो उसके कोफिशिएंट्स ऑफ आई जे के होंगे उस यूनिट वेक्टर में, दे आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस. सो हियर वी हैव to find the direction cosines of the vector joining the points A and B directed from A to B. A to B means आपका vector AB है. तो given क्या आपके पास बच्चों? Given है आपके पास point, जो पहला point है. Given points A जो है वो है 1, 2, -3 and B जो है वो आपके पास है -1, -2, 1. तो सबसे लेट हम ओरिजिन का है, लेट ओ बी द ओरिजिन. अगर हम ओ को ओरिजिन मान लेते हैं तो फिर पॉइंट ए इज इक्वल टू ओ ए वैक्टर. सो ओ ए क्या होगा? 1, दैट इज आई प्लस टू जे -3k, एंड इसी तरह से पोजीशन वेक्टर ऑफ बी क्या होगा? पॉइंट बी, वो होगा आपका ओ बी वेक्टर. तो ओ बी में क्या आएगा? -i, -2j और प्लस के. अब हम वेक्टर ए बी, क्योंकि वेक्टर ए बी हमें बताया गया फ्रॉम ए टू बी, सो इसलिए वेक्टर होगा ए बी. तो किसके बराबर होगा? वो होगा ओ बी वैक्टर माइनस ओ ए वैक्टर. सो ओ बी क्या आपके पास? -i, -2j, +k, और ये बन जाएगा -i, -2j, और -+3k. सो वी गेट -2i, -4j, और +4k. ये हमारे पास वैक्टर ए बी बन गया. अब हम पहले इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे ए बी का. तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड देखेंगे इसका. मैग्नीट्यूड मीन्स लेंथ. तो क्या होगा? x² + y² + z² सो वो आ जाएगा -2 का स्क्वायर + -4 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर. सो दैट मीन्स वो कितना बना आपका? 4 + 16 + 16 = 32. तो 36 रूट वो आपका रूट 6 बन गया. तो 6 आ गया आपका मैग्नीट्यूड इसका. अब यूनिट वेक्टर अलोंग ए बी क्या होगा? यूनिट वेक्टर अलोंग ए बी, स्टार्ट टू फाइंड द यूनिट वेक्टर अलोंग ए बी. तो यूनिट वेक्टर अलोंग ए बी क्या होता है? फॉर्मूला वेक्टर ए बी अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड. सो नाउ मैग्नीट्यूड बेटा आपने फाइंड कर लिया. ए बी वेक्टर आपके पास क्या आया था? ए बी वैक्टर, दैट इज -2i + -4j और +4k अपॉन मैग्नीट्यूड आपका 6 आ गया इसका. सो नाउ अलग अलग करेंगे आप तो आपके पास ये आ जाएगा -2i / 6 - 4/6j + 4/6k. सो दीज आर कटिंग हो जाएगी तो आएगा -1/3i -2 अपॉन
अगर इसको प्लस एक अलग कर देंगे तो माइनस टू अपॉन कितना आ जाएगा, वी गेट के एन प्लस टू अपॉन थ्री के। तो व्हाट आर द कोएफिशिएंट्स ऑफ आई जे के, माइनस वन अपॉन थ्री, माइनस टू बाई थ्री और टू बाई थ्री। तो यही हमारे डायरेक्शन कोसाइन होंगे। तो देयर फोर हम कह सकते हैं देयर फोर द डायरेक्शन The direction cosine of vector AB क्या क्या होंगे, माइनस वन अपॉन थ्री कॉमा माइनस टू बाई थ्री, ये माइनस वन अपॉन थ्री, माइनस टू बाई थ्री और टू बाई थ्री। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या रखा याद आपने, डायरेक्शन कोसाइन होते हैं कोफिशिएंट्स ऑफ द यूनिट वेक्टर of that vector, coefficients of the unit vector of that vector. ये आपके पास direction है।